लास्ट वीडियो में हमने देखा लिमिट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बेसिक रूल्स, ये सारी आइडेंटिटीज जो हमने लास्ट वीडियो में समझी थी, रिवाइज की थी, आज वही आइडेंटिटीज के ऊपर हम सम्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जहाँ पे इनमें से कुछ आइडेंटिटीज का हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, जज कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप साथ साथ में इसको नोट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ सम्स मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, लिमिट है एक्स टेंडिंग्स टू माइनस वन। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये जज करना है कि आइडेंटिटी कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं और उसके बेसिस पे ही हम उसको फैक्टराइज करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एंड देन फाइनल आंसर हमें मिलेगा। सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, किसी भी लिमिट्स के सम को अप्रोच करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो भी एक्स टेंडिंग्स टू वाली वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, वो आप पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ आपको एक्स नज़र आ रहा है, वेरिएबल नज़र आ रहा है, वहाँ पे पुट करके देखें 0/0 फॉर्म मिल रहा है या नहीं। ठीक है, अगर 0/0 या अनडिफाइंड फॉर्म है तभी हमें आगे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज तो जो आंसर आया वो फाइनल है। ठीक है, तो अगर नंबर लाइन पे बिलोंग करने वाला कोई फाइनाइट नंबर हमें मिल जाता है तो आगे आपको उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वैल्यू पुट करके देखते हैं, ये आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं। -1 का क्यूब प्लस वन होल डिवाइड बाई -1 का स्क्वेयर एंड -1। -1 का क्यूब ऑड पावर है, ऑड पावर हमेशा आपको माइनस देगा, इवन पावर होता तो प्लस हो जाता। -1 प्लस वन, -1 का स्क्वेयर ऑड इवन पावर दैट इज +1 एंड -1। 0/0, 0/0 आ गया, अनडिफाइंड फॉर्म हो गया। यहीं से ही पता चल रहा है कि आगे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तभी हम सम को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अब इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है इससे। सबसे पहले जो आइडेंटिटी न्यूमरेटर में है, अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए प्रेजेंटेशन वाली बात आ जाती है। मैंने आपको बताया था कि हर स्टेप में आपको आगे ये लिमिट जो है वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करते जाना पड़ेगा, अगर आपने किसी भी स्टेप में उसको नहीं लिखा तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, हो सकता है कि आपको 0 मिल जाए। ये चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, जैसे इस टाइप के सम्स हैं फैक्टराइज करने वाले, तो आप एक काम कीजिए, पहले हेडिंग दे दीजिए न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर हेडिंग दे के इक्वेशन लिख लीजिए एक्स क्यूब प्लस वन। अब इसको हम आइडेंटिटी से मैच करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो आइडेंटिटी नज़र आएगी दैट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस आइडेंटिटी का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, कैसे, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब। अब दिस इज़ सिमिलर टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब वेर ए इज़ इक्वल टू एक्स एंड बी इज़ इक्वल टू वन। ठीक है, फैक्टराइज करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी हमारे पास है वो है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। फाइनल ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। ये हो गए फैक्टर्स। वैसे ही डिनोमिनेटर के केस में भी हम सेम चीज़ करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस वन। ये तो सिंपल आइडेंटिटी है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो आपको आइडेंटिटी रिलेट होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इसके फैक्टर्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं। अब हम इनकी वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की है वो इस लिमिट में पुट कर देंगे। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू माइनस वन विल बी एक्स प्लस वन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। मैंने कुछ नहीं किया है, इसकी वैल्यू जो फाइंड की थी वो यहाँ पे रिप्लेस कर दी,
और इसके फैक्टर्स भी यहाँ पे पुट कर दिए। अब आप देखें कोई कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन। जैसे ही कॉमन फैक्टर कैंसिल होता है हमें वापस से वही स्टेप करना होता है, वैल्यू पुट करके चेक करनी। बट पहले जो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ फंक्शन है वो आप लिख लीजिए। ये स्टेप आप नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कुछ मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएं जो आप भी नहीं चाहेंगे कि हो, तो बेटर है कि हम इसको एक बार लिख लें। अब वैल्यू पुट करेंगे। अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम आगे लिमिट नहीं लिखेंगे। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, हमने देखा कि जो लिमिट है वो किस पे लगती है, फंक्शन पे, ना कि नंबर पे। तो कांस्टेंट नंबर पे लिमिट नहीं लगाते, इसलिए अब हम लिमिट को हटा देंगे और डायरेक्टली माइनस वन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस वन स्क्वेयर माइनस वन प्लस वन। ठीक है, ये सिचुएशन है, इसको फाइनली सॉल्व कर लेते हैं। माइनस वन का होल स्क्वायर दैट इज प्लस वन, माइनस माइनस अगेन प्लस वन प्लस वन, नीचे माइनस वन माइनस वन माइनस टू। फाइनली आपको मिलेगा थ्री बाई माइनस टू। माइनस का साइन हम फाइनल आंसर में नीचे नहीं रखते, हम उसको आगे लेके आ जाते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो ऊपर लेके आ जाते हैं। तो ये फाइनल आंसर हो गया आपका, दैट इज माइनस थ्री बाई टू। तो जो पहले अनडिफाइंड दिख रहा था अब वो माइनस थ्री बाई टू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम बेसिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल था, ऐसे और भी सम्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं कैसे इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला सम देखते हैं, आप इन सम्स को साथ साथ में नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इन सम्स में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है। आप अगर सिर्फ सॉल्व किया हुआ सम वीडियो में देख लेंगे तो एग्ज़ाम में आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जब तक आपने खुद उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं किया होगा। तो दिस इज़ नॉट इनफ कि आप सिर्फ उसको व्यू कर लें, जब तक आपने खुद अपने हाथों से स्टेप्स नहीं लिखे होंगे तब तक आपको उसके ऊपर उतनी अच्छी ग्रिप नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू फाइव एक्स क्यूब माइनस 125 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 25। अगेन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। न्यूमरेटर में जो इक्वेशन आपको दिख रही है उसको हम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये है 5 का क्यूब, ये थोड़ा हिंट मिल जाता है कि पावर सेम ही होना चाहिए। दिस इज़ एज गुड एज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी है वो कुछ ऐसी थी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वही आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो दिस विल बिकम एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव स्क्वायर दैट इज 25। ठीक है, अब आगे ये जो चीज़ है ये मोस्ट प्रोबेबली फैक्टराइज नहीं होती है, फिर भी अगर आप ट्राई करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अगर पॉसिबल हो तो आप कर सकते हैं, बट ऑलमोस्ट 99.9% केसेस में ये आगे फैक्टराइज नहीं होती है। तो आप उसको ऐसे ही रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये अपना बेसिक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, आप इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो ये बन गया एक्स माइनस फाइव एंड एक्स प्लस फाइव। अब ये दोनों चीज़ें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम पुट कर देंगे लिमिट के अंदर। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू फाइव, न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस 25, एक्स माइनस फाइव एंड एक्स प्लस फाइव। ऊपर नीचे फैक्टर कैंसिल, एक्स माइनस फाइव जो वैल्यू बच गई, जो रिड्यूस्ड फंक्शन है उसको आप सबसे पहले प्रॉपरली प्रेजेंट कर दीजिए। अब वापस से वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तब हमें लिमिट नहीं लगाना है आगे। फाइव स्क्वायर फाइव इंटू फाइव प्लस 25, फाइव प्लस फाइव 25, 25 और नीचे 10, दिस इज 75 बाई 10। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी 15/2, ये है फाइनल आंसर। अब इसको 7.5 लिखने की ज़रूरत नहीं है,
फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट नहीं करना, मतलब डेसिमल में आपको कन्वर्ट नहीं करना है. कहीं पे भी आप पूरे लिमिट्स में कोई भी आंसर प्रेजेंट करते हैं फाइनली, तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और होल नंबर और इंटीजर. लेकिन डेसिमल के फॉर्म में 7.5, 7.25, 3.2 ऐसा कुछ आंसर आपको प्रेजेंट नहीं करना है पूरे टॉपिक में कहीं पे भी नहीं. ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है. ये डेसिमल्स की चिंता नहीं करनी. अगर आपको डेसिमल नंबर्स देख के परेशानी होती है तो आपको उनको नहीं देखना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर. चलिए, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं. अब मैंने आपको दो एग्जांपल्स दे दिए. आगे नेक्स्ट मेथड पे हम चलते हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर मैं आपको वीडियो के एंड में इस टॉपिक पे कुछ और सम्स नोट करवा दूंगा जो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, और उसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आंसर क्या है. तब तक आप सॉल्व करके रख सकते हैं और आंसर टैली कर सकते हैं. मैं उसके सॉल्यूशंस भी आपको दूंगा. अगर आपका कोई सम में कुछ मिस्टेक आई है तो आप उसको टैली कर सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा. ठीक है, क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है अब इसके बाद, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये टॉपिक आपने अगेन अपने स्कूल टाइम में पॉलिनोमियल्स और ये सब चीज़ों में काफ़ी बार सॉल्व किए हैं. बहुत सारे सम्स थे, फैक्टराइज करवाए, एक्सपांड करवाए, स्प्लिट करवाए, ये सब हमने बहुत कुछ किया हुआ है. अब वापस से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इसमें है क्या. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रेजेंटेशन है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज़ ए एक्स प्लस एक स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. ए बी एंड सी कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, ए ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा और फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा. इसीलिए इट इज़ नेसेसरी कि वहाँ पे ए की वैल्यू ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो चलेगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. तो इस टाइप की इक्वेशंस आपने देखी होंगी, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन है. अब हमें बोला जाता था कि आप इसके दो फैक्टर्स निकालें, एक्स का जितना भी हाईएस्ट पावर होगा उतने इसकी सॉल्यूशन, उतने इसकी वैल्यू या उतने इसके फैक्टर्स होंगे. ये कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, फैक्टर्स, वैल्यूज़, सॉल्यूशंस. ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं और जो फैक्टर्स आएंगे वो भी अभी हम देखेंगे. ठीक है, तो हाईएस्ट पावर टू है तो इस इक्वेशन के दो फैक्टर्स आएंगे, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक्स के दो सॉल्यूशंस आएंगे. कैसे फाइंड आउट करना है वो भी समझ लीजिए. हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ये जो प्लस फाइव दे रखा है इसको हमें स्प्लिट करना है. और हम स्प्लिट कुछ इस तरीके से करेंगे, दो नंबर्स में जो भी नंबर्स होंगे, लेट इट बी ए एंड बी. ओके, चेंज कर देते हैं इसको, वो मैच हो जाएगा. पी एंड क्यू, ऐसे दो नंबर्स पी प्लस क्यू, इनको जोड़ने से वापस हमें फाइव मिल जाना चाहिए. अच्छा, और यही पी और क्यू को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलना चाहिए इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट अलॉन्ग विथ साइन. तो पी प्लस क्यू शुड बी फाइव एंड पी इंटू क्यू शुड बी इक्वल टू सिक्स. इस तरीके से हमें दो नंबर्स जो हैं वो सोचने पड़ेंगे कौन से होंगे. अब देखिए, सोचने का तरीका जो ओरिएंटेशन होगा, क्योंकि ये तो बेसिक नंबर है, कोई बड़े नंबर आ गए तो आप सोचेंगे कैसे. तो इसके लिए हमारे पास कुछ वे आउट है, कुछ मेथड्स हैं, वो मेथड्स देख लेते हैं क्या है. ठीक है, अब सोचने के लिए जो मेथड है उसमें कुछ ऐसा है कि जो ये नंबर है पी एन क्यू सिक्स, आपको इसके रेफरेंस पॉइंट से सोचना पड़ेगा कि प्रोडक्ट में क्या आया. सिक्स आया, सिक्स के फैक्टर्स चाहिए हमें. एलसीएम निकाल लो, टू थ्री ज़ा, थ्री वन ज़ा. ठीक है, तो सिक्स इज इक्वल टू टू इंटू थ्री, और कोई चॉइस हमारे पास है नहीं. अब साइन का अरेंजमेंट देखना पड़ेगा. एक बार दो नंबर सिलेक्ट हो गए फिर हम साइन का अरेंजमेंट देख लेते हैं. प्लस माइनस लेना है, प्लस प्लस लेना है, माइनस माइनस लेना है, सब ऑप्शंस जो हमारे पास थे. ठीक है, अब क्योंकि हमें प्लस फाइव चाहिए तो टू और थ्री को ऐड करना पड़ेगा, और टू और थ्री मल्टीप्लाई करके हमें प्लस सिक्स भी मिल रहा है. तो हमारे जो नंबर्स हैं रिक्वायर्ड, दैट इज़ प्लस टू एंड प्लस थ्री. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइज. एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो. फाइव एक्स को हम स्प्लिट कर देंगे और बना देंगे टू एक्स प्लस थ्री एक्स. आप इसको थ्री एक्स प्लस टू एक्स भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. दो दो टर्म्स की पेयर बना लीजिए. इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं. एक्स कॉमन दिख रहा है, ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस टू. ठीक है, कभी कोई कन्फ्यूजन हो जो आपने लिया मल्टीप्लाई करके चेक कर लो वापस से वही टर्म बन रहा है या नहीं. जैसे यहाँ पे एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू टू हो गया टू एक्स. ठीक है, इसमें से भी कुछ कॉमन निकलेगा, दैट इज़ थ्री.
ब्रैकेट में बचेगा x प्लस टू। ये ब्रैकेट में हमेशा इक्वल टर्म्स आने चाहिए, जो इस ब्रैकेट में आया वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, तब हम मान सकते हैं कि हमने जो कैलकुलेट किया वो सही है या फिर ये फैक्टराइज हो सकता है। अगर ब्रैकेट अलग आ रहे हैं या हो सकता है कि ये फैक्टराइज हो ही नहीं सकता, तो दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो आप फैक्टराइज करेंगे तो ब्रैकेट्स मैच नहीं कर रहे तो आपकी गलती है, या फिर वो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है वो स्प्लिट नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसी ब्रैकेट को हम कॉमन निकाल लेंगे x प्लस टू, तो जो बचेगा वो होगा x और प्लस थ्री। अब ये जो ब्रैकेट्स आए ना, इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स, x प्लस टू, x प्लस थ्री, ये दोनों जो हैं दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, और इसमें से अगर हमें सॉल्यूशन या वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जीरो से इक्वेट कर देंगे। x प्लस टू इक्वल टू जीरो, देयर फोर एक्स इक्वल टू माइनस टू, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब ये जो दो चीज़ें आई हैं इनको हम बोलते हैं वैल्यूज या फिर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जिस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप ये सब चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए कि कैसे इनको सॉल्व करना है कैसे नहीं। अब इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कुछ सम्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा कैसे इस टाइप के सम्स को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग्स टू वन, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू, डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमें दे रखा है। अब अगेन हमें दिख रहा है कि ऊपर नीचे दोनों तरफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम एक वैल्यू पुट करके चेक करते हैं जीरो बाई जीरो फॉर्म है या नहीं। वो कॉन्सेप्ट आपको भूलना नहीं है, वो इम्प्लाइड हो जाएगा कि आपको एक बार चेक कर लेना है। यहाँ वन पुट करते हैं, वन स्क्वेयर इज वन प्लस वन माइनस टू, वन स्क्वेयर अगेन वन प्लस टू माइनस थ्री, टू माइनस टू ज़ीरो, थ्री माइनस थ्री ज़ीरो, ये अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड होने का मतलब इनको कहीं ना कहीं हमें सॉल्व करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, ये नेसेसरी है। चलिए देखते हैं आगे। अब अगेन प्रेजेंटेशन वही, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सबसे पहले न्यूमरेटर की बात करें, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू। अब इसके फैक्टर्स करने के लिए हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, कंसेप्ट वही रहेगा, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट है वन और जो प्रोडक्ट है दैट इज़ माइनस टू। अब नंबर अगर टू है तो उसके फैक्टर्स में तो एक ही चीज़ पॉसिबल है, वन इंटू टू, और कोई ऑप्शन है नहीं बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर। अब हमें ये देखना पड़ेगा साइन कैसे अरेंज करें। अगर आपको नंबर देखना है दैट इज़ माइनस टू, तो वन इंटू टू, अब मैं इसको माइनस लूँ या इसको, मुझे ये तो माइनस टू मिलेगा, मुझे मिडिल टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। टू और वन, अगर हम इसका डिफरेंस लें तो आपको वन मिल सकता है, और हमें पॉजिटिव वन चाहिए, दैट मींस बड़े नंबर की साइन को पॉजिटिव रखना पड़ेगा और छोटे नंबर की साइन को नेगेटिव। प्लस टू इंटू माइनस वन, दिस इज़ माइनस टू, एंड प्लस टू माइनस वन इज़ प्लस वन, तो हम फैक्टर्स कर देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन, एक्स प्लस टू माइनस वन कॉमन, एक्स प्लस टू। ठीक है, तो दिस इज न्यूमरेटर एंड इट्स फैक्टर्स। वैसे ही डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर के भी फैक्टर्स कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, मिडल टर्म टू है जिसको स्प्लिट करना है, प्रोडक्ट चाहिए वन इंटू थ्री दैट इज़ माइनस थ्री। अब माइनस थ्री के फैक्टर्स में एक ही ऑप्शन है वन इंटू थ्री, आपको चाहिए दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके प्लस टू लेना, तो डिफरेंस ही पड़ेगा क्योंकि टू चाहिए, थ्री और वन का डिफरेंस टू होता है, बट बड़ा नंबर पॉजिटिव एंड छोटा नंबर नेगेटिव। ठीक है,
x square plus 3x minus 1x minus 3. अगेन दोनों टर्म्स को अंडरलाइन कर लीजिए. कॉमन x, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, ये पॉजिटिव x हो जाएगा और माइनस बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव 3. दोनों ब्रैकेट्स मैच हो गए, x प्लस 3 एंड दूसरा ब्रैकेट x माइनस 1. अब ये जो फैक्टर्स आपको मिले हैं हम वो रिप्लेस करेंगे हमारे इक्वेशन में और देखेंगे कि आगे किस तरीके से सॉल्व हो सकता है. देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, न्यूमरेटर के फैक्टर्स हैं हमारे पास x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं x प्लस 3 एक्स माइनस 1. ऊपर नीचे x माइनस 1 कैंसिल, रिमेनिंग जो फैक्टर्स बच गए वो लिख लेते हैं. अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और लिमिट को जो है यहाँ से हटा देना है. दिस इज 3/4, ये है आपका फाइनल आंसर 3/4. तो अभी जो चीज़ अनडिफाइंड दिख रही थी और उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, फिर जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो वो एक रियल नंबर में कन्वर्ट हो गई, दैट इज 3/4. तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया जिस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर है? चलिए इसके बाद, अब ये जो सम था ये थोड़ा बेसिक लेवल का था एक्चुअली. हाँ ये बेसिक था, अगर आपको टफ भी लगा है तो भी ये बेसिक ही था. आगे जो सम है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम थोड़ा सा नंबर्स के लेवल को बढ़ाएंगे और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अगर थोड़े हैवी नंबर्स आ जाते हैं तो फिर कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4. लिमिट इज एक्स टेंडिंग्स टूवर्ड्स माइनस 2, 5x स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 14, और डिनोमिनेटर में है 9x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 26. चलिए देखते हैं आगे अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है पर आप कंसेप्ट पे ध्यान देंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी. न्यूमरेटर की बात करें, 5x स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 14. आप पहले वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आपको 0/0 फॉर्म मिलेगा. ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, ट्राई कर सकते हैं. अभी हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी तो मुझे पता है. चलिए देखते हैं, अब इसके फैक्टर्स करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 17 को दो पार्ट्स में ताकि ऐड करने पे प्लस 17 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 14 इंटू 5 दैट इज 70. अब 70 के हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे. ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 7. आपको इनको दो नंबर्स में कन्वर्ट करना है, पेयर बना के देखना पड़ेगा ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस या माइनस करके हमें 17 मिल जाए, 1717. 2 और 5 को मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस विल रिजल्ट इनटू 10 और दूसरा नंबर आ जाएगा 7. 10 और 7 को अगर हम ऐड करें तो 17 मिल रहा है. तो ये फैक्टर्स हमारे लिए इनफ है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो इसमें फुलफिल हो रही है. साइन का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है. साइन में अगर आपने मिस्टेक की होगी ना तो जब ब्रैकेट्स आप लेंगे तो मैच नहीं करेंगे. एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, नेक्स्ट स्टेप में एक्स प्लस टू कॉमन, 5x प्लस 7, ये आपके फैक्टर्स हो गए न्यूमरेटर के. वैसे ही हम फैक्टर्स की बात करेंगे फॉर डिनोमिनेटर्स, 9x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 26. मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, प्लस 5 चाहिए और नंबर काफ़ी बड़ा है, दैट इज़ 9 इंटू 26, ये हो जाएगा 234. अब 234 के फैक्टर्स करेंगे आप तो क्या आएगा देखते हैं. ये होगा 2 इंटू 117. ठीक है, ये 3 से ट्राई कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27. तो ये 3 × 39 करेंगे तो ये मिल जाएगा 3 × 13 एंड 13 × 1. तो 234 के जो फैक्टर्स हैं वो हमें मिल चुके हैं. 234 के फैक्टर्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, 2 × 3 × 3 × 13. अब अगेन हमें पेयरिंग करनी है. देखिए एक नंबर 13 काफ़ी बड़ा है तो एक बार ट्राई करते हैं बाकी के नंबर एक साथ ले लेते हैं, शायद उससे काम हो जाए. 3 × 3 9 एंड 2 2 18, ये हो रहा है 18 और 13. हमें चाहिए 5, 18 और 13 का डिफरेंस होता है 5. ठीक है, अब साइन अरेंज करनी है, हमें प्लस 5 चाहिए तो ऑब्वियसली
बड़ा नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा, छोटा नंबर नेगेटिव होगा। सिंपल। अगेन पेयरिंग कर लेते हैं, 9x कॉमन x प्लस 2 माइनस 13 कॉमन x प्लस 2। ब्रैकेट वाला टर्म बाहर ले लेते हैं, जो बचा वो इसके फैक्टर्स। तो इस तरीके से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट में पुट करेंगे x टेंडिंग्स टू माइनस 2। न्यूमरेटर के फैक्टर्स हैं आपके पास x प्लस 2 एंड 5x प्लस 7, x प्लस 2 एंड 9x माइनस 13। कैंसिल, जो बचा उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। पहले उसको लिख के प्रेजेंट कर लेते हैं। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 इंटू माइनस 2 प्लस 7, 9 इंटू माइनस 2 माइनस 13। ये आएगा माइनस 10 प्लस 7 माइनस 18 माइनस 13 माइनस 3 माइनस 31। माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, दैट इज 3/31। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो भले कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो, लेकिन अगर आप उसको एक प्रॉपर कंसेप्ट एलसीएम यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो आपको गारंटीड आंसर्स मिलेंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब कुछ सम्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ, वो सम्स आप सॉल्व करके देख सकते हैं, सॉल्व करके रख सकते हैं। आप देख लीजिए आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे और मैं आपको उसके सॉल्यूशंस बताऊंगा। चलिए देखते हैं। सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस, सबसे पहला जो है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 8 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। आइडेंटिटीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम्स कंबाइन आपको मिल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रख के सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू माइनस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 4 एक्स क्यूब माइनस 64 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 एक्स स्क्वेयर माइनस 15x प्लस 26। एंड लास्ट ठीक है, ये कुछ सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए हैं, या आप इसको ट्राई करके रख सकते हैं। इसके आंसर्स हम देखेंगे आगे, मैं पहले से आंसर्स आपको इंटेंशनली नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक बार ट्राई करिए बिना आंसर्स पता किए, आपको खुद से कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, कितना समझ आ रहा है, वो आपको खुद चेक करना है। इसलिए मैं आपको इसके आंसर्स पहले से नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अब आज के लिए इस वीडियो में अभी इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूबिक इक्वेशंस की बात करेंगे, इन सॉल्यूशंस की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आप पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो बेल आइकन है उसको आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर आपने सिर्फ सब्सक्राइब किया है और वो बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो आपको नए वीडियो का इंटीमेशन या नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं विद क्यूबिक इक्वेशंस।